किसान की भारी समस्या को देखते हुए खेत में दवा डालने के लिए ये ड्रोन तैयार किया गया है और जो किसानों की जो खेती है वो बिल्कुल अब आसान कर दी जाएगी। घर बैठे दवा डाल लेंगे, GPRS कैमरे में देख के घर बैठे ड्रोन उड़ा के दवा डालेंगे और ये मात्र 9 लाख रुपए का तैयार किया गया है। नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम विवेक सिंघाड़ा और आप देखना शुरू कर दिए आर न्यूज। इस वक्त हम पहुंच चुके थे पंतनगर मेला में जो आज 17 तारीख को प्रारंभ था और वहीं आज मेले पे हम काफी किसान से संबंधित चीजें दिखाने वाले हैं। जो ये मेला है वो काफी बड़ा लगा जाता है प्रतिवर्ष और हम मेले की अब स्टार्टिंग यानी बीच प्रांगण में पहुंच चुके थे और यहां पर अनेक प्रकार के स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। आज मेले जो चीजें हैं वो आपको फायदेमंद भी हो सकती है और आपको फायदा भी पहुंचा सकती है, तो ऐसी ही चीजें को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक पॉइंट आपके काम आ सकता है और सारी चीजें आपके लिए आज पूरी वीडियो फायदेमंद हो सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं नर्सरी में जहाँ पर अलग अलग वैरायटी की पेड़ देखने को मिल जा रहे हैं और ये माँ सरस्वती नर्सरी है। तो भैया यहाँ पे आज किस किस के पेड़ उपलब्ध हो जाएंगे? हमारे पास तो आपको सब वैरायटी मिलेगी, हर एक वैरायटी। अच्छा, चलो वैरायटी दिखाइए थोड़ी। आज हम आपको बढ़िया से बढ़िया वैरायटी दिखाने वाले हैं पंतनगर के मेले में और हम पहुँच गए थे यहाँ पे। सिंदूरी आम। सिंदूरी आम, हाँ। तो ये कैसे बारहमासी है या? नहीं नहीं, ये बारहमासी नहीं होता, ये सीजन का होता है। सीजन का होता है। क्या क्या रेट पड़ रहा है यहाँ पर? ये पड़ेगा आपको 200 रुपए का। और वैसे अगर वैसे बाहर से लें तो क्या पड़ता है? बाहर से यही पड़ता है लगभग 130-140 रुपए का। अच्छा अच्छा, और ये किस चीज का है? ये है आलू बुखारा। अच्छा, आलू बुखारा का है। ये क्या रेट में पड़ रहा है? ये आपको पड़ेगा 150 रुपए का। 150 रुपए का पड़ रहा है। तो बाहर से लेने में और यहाँ से लेने में क्या फर्क पड़ रहा है मेले में? बाहर से लेने में ये फर्क पड़ रहा है ना कि वो देखो, हम बाहर से लाते हैं माल, किराया भाड़ा लगाते हैं 10-5 रुपए, वही 10-5 रुपए ज्यादा लेते हैं। अच्छा अच्छा, वही ज्यादा। और कौन सी वैरायटी होंगी यहाँ पे? ये हो रहा आलू बुखारा, इसकी दूसरी वैरायटी। ये जैसे एक आलू बुखारा लगाएंगे तो ये नहीं होगा, तो इसके साथ में ये दूसरा वाला भी लगाना पड़ता है। अच्छा, पूरा जोड़े के साथ लगा जाता है? हाँ, जोड़ा होता है इनका। आम के अलावा और कोई अलग वैरायटी हो? ये अपनी नाशपाती हो गई। नाशपाती हो गई, हाँ। कोई बारहमासी चीज नहीं है यहाँ पे? बारहमासी मिलेगी। अच्छा, ये अपना नींबू हो गया, कागजी नींबू जो आजकल आपको बाजार में मिल रहा है। हाँ, ये आपको पड़ेगा 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए का एक पीस है। बारहमासी चल रहा है। अच्छा, और कुछ अलग अलग पौधे हैं जो? अलग पौधे आपको ये किस चीज का पौधा? ये आपको बादाम मिल जाएगा। बादाम का पौधा, ये यहाँ पे हो जा रहा है? हाँ, हो जा रहा है। ये किस चीज का है? खुमानी का। ये खुमानी। क्या रेट पड़ रही है ये? ये सब 150 रुपए। 150 में है। अच्छा, अमरूद, ये कौन सी ब्रीड है? ये आप पढ़ लो कौन सी वैरायटी है। अच्छा, एक लेयर सेल है। तो अमरूद की कितनी सारी वैरायटी आपके पास मिल जाएंगी? अमरूद की वैरायटी हमारे पास 4 मिल जाएंगे। 4 वैरायटी, हाँ। तो ये कैसे बारहमासी होती है या कैसे? हाँ, मौसम वाली तो बारह मास होती है। बारह मास, एक आध है जो मौसम में आती है और बाकी बारह मास ही रखते हैं। और आपको मिल जाएगा हमारे पास लौंग का पौधा। लौंग का पौधा, हाँ, इस पर लौंग नहीं आती है। हाँ, बाकी इसका पत्ता हम हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग का पौधा कितने का पड़ रहा है? ये लौंग का पौधा पड़ेगा आपको 250 रुपए का। 250 रुपए का एक पीस है। अच्छा, और आपको ये मसाला मिल जाएगा हमारे पास। हाँ, ये मसाला है, ये सब्जी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ पौधे हैं अलग से? फूलों के, फूलों में कौन सी वैरायटी मिल जाएगी? फूलों में तुम्हारे पास अभी गुलाब है। गुलाब है, हाँ। गुलाब कितने प्रकार के हैं? गुलाब इसमें 2-3 कलर हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या पीस पड़ रहा है? ये 80 रुपए पीस। 80 रुपए पीस पड़ रहा है। अगर मेला उठने के बाद अगर जो ग्राहक हमारी वीडियो देख रहे हैं अगर बाहर से लेना चाहे तो आपकी शॉप में कैसे पहुंचेंगे? वो हमारा कार्ड। अच्छा, कार्ड के अनुसार पहुंचेंगे। पता आपको पता नहीं है? हाँ पता, ये अपना शिमला पिस्तौल है जो यहीं से एक मलसा को अंदर को रोड गया हुआ है। वही अंदर जाओगे 500 किलो वही मीटर उल्टे हाथ पे हमारी नर्सरी, सीधे हाथ पे। तो ठीक, जैसा आपने देखा कि कई प्रकार की वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध हैं और अभी हम पंतनगर से आपको दिखा रहे हैं
और फूलों की भी काफी सारी वैरायटी है यहाँ पर, और देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पेड़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारे साथ एमएसएन एग्रो के डीलर जुड़ गए हैं जो आज पंतनगर में मेला लगा है, और ये बताएंगे आगे किस चीज की आज शॉप लगा रखी है और किस चीज की डीलरिंग करते हैं। जी आप सर, मैं एमएसएन कंपनी से एरिया सेल्स मैनेजर हूँ, राजीव भटनागर मेरा नाम है। और मैं टोटल मेरी कंपनी का वेजिटेबल आता है, जैसे मटर है, गाजर है, धनिया है, पालक है, सरसों है, सभी चीज़ मेरी टोटल आती है। और मैं मेले पे कंपनी रेट पे बेच रहा हूँ, और मार्केट में इसका रेट अलग रहता है, मेले में इसका रेट अलग रहता है। तो आप किस किस चीज़ों के सीड्स यहाँ पे सप्लाई करते हैं? गाजर है, मूली है, पालक है, धनिया है, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी है, सभी टोटल ऑल वेजिटेबल। अच्छा, जो यहाँ पे जैसे मेले में जितने भी ग्राहक आते हैं वो ले लेंगे, अगर यही सीड्स अगर बाहर से लें तो क्या फर्क पड़ेगा बाहर और यहाँ? मेले में कंपनी रेट पे बेच रहा है, मार्केट में डीलर अपना मार्जिन ले रहा है, तो मेले में छूट पे लग रहा है, जैसे 20 रुपए पैकेट बेच रहा है, 10 रुपए पैकेट बेच रहा है, ये पैकेट मार्केट से लेंगे तो 30 का 40 का मिलेगा, ये डिफरेंस है। तो पहुंच गए थे हम यहाँ पर, और किसान भाइयों के लिए जो उपकरण है वो हम आपको अब नजदीकी से जाके दिखाएंगे क्या क्या चीजें हैं जो किसानों भाई के उपयोग में आ सकती हैं। बाकी हम पहुंचने वाले हैं अंदर, और अंदर जाके हम अब आपको वीडियो में दिखाएंगे किस किस चीज के उपकरण उपलब्ध हो चुके हैं यहाँ पर। जैसे देख सकते हैं ये गन्ने की मशीन है, और गन्ने के रैक बने पड़े हैं, यहाँ पर खाद डाली जाती है और नीचे से गन्ने की बुवाई करी जाती है। और ये गेहूं बुवाई की मशीन है, ये वाली नया पैटर्न बना दिया है देख सकते हैं। और एक ये है जिनमें बराबर डोके कर दिए हैं बिल्कुल, एक खाद है और एक इसकी मशीन है। तो एक बार फिर पहुंच गए हम ट्रैक्टर मेला में, जहां महा डील चल रही है, महा डिस्काउंट, 25,000 का महा डिस्काउंट न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में। और ट्रैक्टर की चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं हम। ये बढ़िया सा सिम्बा, और साइड में है न्यू हॉलैंड, और एक बढ़िया सा उपकरण, ये चीज देखिए, बिल्कुल ये अलग चीज है, इतनी जानकारी नहीं है लेकिन कुछ अलग सी चीज दिखती है तो बढ़िया सा लगता है। ट्रैक्टर में चढ़ के हम दिखाएंगे ट्रैक्टर का लुक, इंटीरियर कैसा है और कितना स्मूथ है, ये चीज अब दिखाने वाले हैं। ये आगे का लुक है, और मैं कैमरा मैन से कहूँगा आगे आए, आगे आके एक बार चीज गेटअप दिखाएं बिल्कुल। ये आगे का इंटीरियर है इसका, और इस तरह ये दिख रहा है, पूरा मॉडल चेंज कर दिया है ये, और एक बढ़िया सा उपकरण ये चीज है, ये चीज देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो पूरा लोता है उसको हटाने के लिए बनाई गई है, ये साइड में विंग्स हैं, इसके द्वारा शायद हटाया जाता होगा, और पुली वगैरह सिस्टम कर रखा है इन्होंने बढ़िया सा। ये देख सकते हैं पौधे उगाने की नई टेक्निक आ चुकी है, और ये मेरे ख्याल से पूरा पानी की सप्लाइंग पूरी अलग तरीके से पाइप द्वारा लगाए दिए गए हैं, और पाइप के द्वारा सप्लाई होके प्योर होके सप्लाइंग की जा रही है। ये देखिए नया उपकरण घरेलू टाइप में बनाए गए हैं, बैटरी संचालित नराई गुड़ाई यंत्र, और आगे दामला एकल रोल, अलग अलग प्रकार से जो हाथ की बनावट द्वारा ये बनाए गए हैं, और इनको पेंट करके सुंदर सी आकृति दी गई है, अलग सी चीज हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो जैसा अभी आपने पूरे मेले में देखा, जो किसान से संबंधित सारी चीजें जैसे बीज या ट्रैक्टर है उसमें विशेष छूट दी जा रही है, और ये मेला प्रति वर्ष लगा जाता है, और इस साल भी पिछले साल के मुकाबले काफी भीड़ देखने को आपको मिल जाएगी। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करके अपनी राय दें। मैं आपके साथ विवेक सिंह राणा आगे जाता हूँ, धन्यवाद।